हेलो जी नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 16 का कल रात का एपिसोड जो कि मैंने कल रात को नहीं देखा था, अभी मैंने डाउनलोड करके देखा और ये काफ़ी सेटिस्फैक्टरी एपिसोड था। सलमान खान की होस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरह से कीचड़ वाली टास्क में लोगों की पर्सनैलिटी हमें देखने को मिली और ये टीना दत्ता जो एक दिन पहले शिव के बारे में कह रही थी ना, लड़की है, लड़की की रिस्पेक्ट करो, लड़की कैसी भी हो, यही टीना दत्ता इस एपिसोड में अर्चना के बारे में क्या बोल रही थी, लानत है तेरे ऊपर, शेम ऑन यू, थू है तेरे ऊपर, लानत है तेरे ऊपर, शेमलेस। मतलब अब जो है टीना दत्ता के लिए अर्चना लड़की नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट मत करो। तो कितनी जल्दी यहां पर ये कंटेस्टेंट जो रहते हैं वो थूक थूक कर चाट लेते हैं। सिर्फ टीना दत्ता ही नहीं, एंड सिर्फ टीना दत्ता ही नहीं, यहां पर थूक कर चाटने की जो मुहिम थी ना उसमें प्रियंका द चहार द चौधरी और प्रियंका जग्गा 2.0 उन्होंने भी यहां पर भर भर के थूक करके चाटा है। और कैसे यहां पर विक्टिम कार्ड खेल लिया, वुमन कार्ड खेल लिया। प्रियंका जग्गा चाहती है कि अंकित उनके इशारे पर नाचे, लेकिन जैसे ही अंकित अपने दिल की कोई बात बोल दे उसके बाद तो मुद्दा बना करके क्या बवाल काटती है। ये खुद चिल्ला सकती हैं, उंगली दिखा दिखा कर, हाउ डे यू अंकित, हाउ डे यू अंकित, खुद ये प्रियंका चहार चौधरी उंगली दिखा दिखा करके चिल्ला सकती है, ऊंची आवाज में बात कर सकती है, हाउ डे यू अंकित, तूने ऐसा कैसे बोल दिया अंकित, तूने मेरी परमिशन क्यों नहीं ली अंकित, हाउ डे यू अंकित, हाउ डे यू अंकित। लेकिन अंकित अगर थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात कर दे तो चिल्ला के बात मत करियो मेरे से, चिल्ला के बात मत करियो, मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं। हाँ, अंकित के पेरेंट्स तो देख ही नहीं रहे ना, तुम्हारे चक्कर में अंकित का जो मुरब्बा बन चुका है नेशनल टीवी पर, इनफैक्ट वो जो बच्चे आए थे वो भी अंकित को कैसे बुरी तरह से ट्रोल करके चले गए थे। अंकित अगर चुपचाप सुनता रहे तो अंकित सही है, ये मैडम चिल्ला चिल्ला करके बातें करती रहे तो सही है, बट अंकित अगर अपनी आवाज थोड़ी सी ऊपर उठा ले तो सडनली मेरे पेरेंट्स देख रहे होंगे अंकित, ऐसे मत बोलो अंकित। और हाँ, एक चीज और, हमने डे वन से देखा है कि ये जो जग्गा मोहतरमा जो कि महान है ब्रो, मैं महान हूं ब्रो, मैं रियल हूं ब्रो, मैं फालतू मुद्दा नहीं बनाती ब्रो, मैं राइटियस हूं, मैं कैसे ये मैं की पीपड़ी बजाने वाली जग्गा दूसरों के मुद्दे में जंप करती थी, कूदती थी, मुद्दा इनका हो ना हो फिर भी उस मुद्दे को ही अपना बना लेती थी। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था शालीन और स्टैन वाली फाइट में, जहां पर इस मोहतरमा का उस मुद्दे से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था, लेकिन ये गुंडे पाल रखे हैं, आज इसके साथ हुआ कल हमारे साथ होगा, अब तो एक्शन लेना होगा ब्रो, बहन ये नहीं होगा, बहन लिपस्टिक लगा लूं ये नहीं होगा, अब बिग बॉस ने एक्शन नहीं लिया तो ये नहीं होगा, आईब्रो सेट कर लूं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, शालिन क्या हुआ, क्या फैसला लिया बिग बॉस ने, अच्छा आप जा रहे हो, ये नहीं होगा बहन, अब सहा नहीं जाएगा, अब सहा नहीं जाएगा, लिपस्टिक लग गई, मस्कारा शुरू हो गया, अपना फुटेज निकल गया, चलो निकल लो। तो ये मोहतरमा जो दूसरों के उसमें कूद जाया करती थी, कल जैसे ही सौंदर्य बीच में जंप करती है, बहन तुम रहने दो, बहन बहन तुम मत बोलो बीच में, अंकित तुमने इसको हक दिया है क्या, नहीं सारे हक तो तुमको दिए हैं, शालिन ने तुमको हक दिया है, टीना ने तुमको हक दिया है, शिव ने पीले चावल भेजे थे तुम्हारे यहाँ की, आओ हक दे दिया है, आ जाओ मुद्दे में कूद जाओ। तो कैसे ये मोहतरमा तो दूसरों के मुद्दे में कूद सकती है, टांग नहीं पूरा शरीर फंसा सकती है, लेकिन इनके मुद्दे में तुम मत बोलो बहन, तुम मत बोलो बहन, आ हा हा, ये सब देख करके मेरी आत्मा अंदर से बड़ी तृप्त हो रही थी। आत्मा जो है ना मेरी एक चीज से और तृप्त हुई, जैसे ये सौंदर्य तो बार बार बोलती है ना कि कल भी बोला उसने कि मैंने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली जब ये अर्चना को वापस बुलाया, और बाहर गुहर मंडली जो कि ब्रिंग बैक अर्चना, ब्रिंग बैक अर्चना, ब्रिंग बैक अर्चना की पीपड़ी बजाया करते थे, अब वही गुहर फिर से ट्वीट कर रही है कि यार अर्चना अब इंटरटेनिंग नहीं है, काफी निगेटिव है, निगेटिव आज देखी तुमको, निगेटिव तो वो कब से है, लेकिन अब आप देख लीजिए कि कैसे बाहरी जो गुंडी गैंग जो है गुहर एंडी ये भी थूक थूक करके चाट रहे हैं। पहले तो ब्रिंग बैक अर्चना करते रहे, अर्चना रियल है, ये है वो है, एंड अब यही अर्चना गुंडी गैंग के जो फेवरेट हैं, जिनके मतलब गुंडी गैंग पीआर बने बैठे हैं, तो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके पीछे ये पड़ चुकी है अर्चना, तो सडनली गुंडी गैंग को ये अर्चना नेगेटिव लगने लग गई है। अर्चना को आज रात को सलमान खान भी आईना दिखाएंगे। अर्चना के बारे में एक नहीं 50 बार कह चुका हूं कि वो बहुत अच्छा जाती है, अच्छा जाते जाते मतलब रायता फैल जाता है, जैसे कि उसने सुंबुल के लिए बोला था कि शक्ल देख करके रानी बनाओ या फिर कुत्ते जैसी शक्ल। आप एक विडंबना देखिए, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं जहां पर लोग कहते हैं कि एमसी स्टैन ने अर्चना को एक्टिवा जैसी शक्ल वाली औरत बोला था, शेमडी बोला था, वो मिसोजिनिस्ट बन गया, मतलब एमसी स्टैन या फिर शिव कुछ बोले तो वो सीधा मिसोजिनिस्ट बन जाते, लेकिन ये अर्चना लोगों के कैरियर, फैमिली, अपब्रिंगिंग, कास्ट, धर्म, संप्रदाय, माता पिता सब पर जाए तो वो स्ट्रांग महिला है। खैर आप देखते जाइए कि कैसे बाहर जो ये जो मिसोजिनिस्ट की पीपड़ी बजा रहे थे, स्ट्रांग महिला की पीपड़ी बजा रहे थे, कैसे वो थूक थूक करके चाटते हैं, जैसे कि यहाँ पर टीना और जग्गा ने तो गजब लेवल से थूक करके चाट लिया, दिखा दिया है कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। और ये टीना किस मुंह से ह्यूमैनिटी की बात करती है, किस मुंह से वो इंसानियत की बात करती है, किस मुंह से वो क्लास की बात करती है, इनफैक्ट जिस हिसाब से सो कॉल्ड क्लासी महिला टीना दत्ता मुंह खोलती है ना, उसके कंपैरिजन में तो अर्चना बहुत अच्छी है भाई साहब, एटलीस्ट वो दिखावा नहीं करती वो क्लासी है, ये है वो। इनफैक्ट आज जब जिस तरह से शिव मस्ती मजाक कर रहा था, टॉवल डांस कर रहा था और काफी
काफी स्पोर्टिंग तरीके से शिव ठाकरे ये टास्क ले रहा था और उसके साथ रहकर ये अर्चना वो भी गजब लेवल से अच्छी लगने लगी। तो एक ऑरा तो है शिव का, आप माने या ना माने, शिव के साथ रहकर ये डुम्बुल ये भी काफी अच्छी लगने लग गई है। तो यही आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कुछ तो बात है शिव के अंदर कि उसके साथ जितने लोग रहते हैं ना वो पॉजिटिव ही लगने लगते हैं। जैसे कि अर्चना कितना मस्त लग रही थी जब वो मस्ती मजाक कर रही थी, लेकिन यही अर्चना कितनी ज्यादा मीन और कनिंग हो जाती जब वो जग्गा के साथ बैठती है या फिर टीना दत्ता के साथ एक नई अलायंस बनाना चाहती थी। आप देख लीजिए 4 दिन भी इनकी चांडल चौकड़ी का अलायंस नहीं चल पाया, सब ने एक दूसरे को एक्सपोज कर दिया। और सबसे मजे की बात है हमारी बॉन्डिंग रियल है, वो नकली लोग हैं, वो फैमिली है 8 लोगों की, हम दोस्त अच्छे हैं, हम बहुत रियल हैं। इस एपिसोड में कीचड़ वाली टास्क ने सब एक्सपोज करके रख दिया कि कौन किसके बारे में क्या ख्याल रखता है। इनफैक्ट जब जिस तरह से अंकित और जग्गा के बीच में सौंदर्य कूदी थी तो आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर प्रियंका कितनी बुरी तरह से इसको सौंदर्य को ट्रीट कर रही थी और सौंदर्य बाद में अर्चना के बारे में बातें कर रही थी। इनफैक्ट जब ये अर्चना प्रियंका को समझा रही थी अंदर बाहर सौंदर्य बात कर रही थी कि मैंने तो कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारा और अंकित भी बातें कर रहा था कि कुल्हाड़ी चल करके आई। अच्छा वैसे अंकित भी इस मंडली का पार्ट हो गया है क्या? आई एम जस्ट आस्किंग, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। अंकित को बोलेगा कोई साजिद का गुलाम या साजिद का गुलमटा या चमचा या मंडली वाला? नहीं नहीं अब कोई नहीं बोलेगा भाई, कोई नहीं बोलेगा, हाँ बिकॉज नैरेटिव को सूट नहीं करेगा ना। भाई अंकित तो तुम बोल रहे हो लेकिन तुम भी थे ब्रिंग बैक अर्चना की पीपड़ी बजाने वाले। लेकिन एक चीज जो अर्चना ने बहुत अच्छे तरीके से समझाई जो कि आई डोंट थिंक सलमान खान भी समझा पाते, अर्चना जो यहाँ पर समझा रही थी जग्गा को कि देख बेटा जो 2-3 महीने का बच्चा होता ना तो मम्मी उसके आसपास तकिया रख देती है सो देट बच्चा करवट ले तो गिरे नहीं, लेकिन वही बच्चा जब 1 साल का हो जाता तो वो तकिए को लात मार के नीचे उतर आता है। तो यहाँ पर अर्चना ने एक तीर से कई शिकार कर लिया है, उसने यहाँ पर जग्गा को तो समझा ही दिया कि तू बहुत ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। एट द सेम टाइम अर्चना ने दुनिया के सामने एक नजरिया भी रख दिया कि ये जो महान महिला है ना ये जग्गा ये डे वन से अंकित की मम्मी वाला रोल प्ले कर रही है। अंकित क्या खाएगा कितना खाएगा अपने हाथ से उसे खाना खिलाया करती थी। अंकित अगर अर्चना से ऐसा बोल रहा था अंकित ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला, इनफैक्ट इसने कितना ज्यादा गेम के बारे में अंकित को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी है। अंकित ने वही सारी बातें सौंदर्य को बोल दी तो बिग बॉस ने उन बातों को चुगली का नाम देकर के बोर्ड पे दिखा दिया। वो बातें कहीं गलत तो थी नहीं, लेकिन जग्गा ने हर चीज को गलत ले लिया क्योंकि जग्गा जो है ना वो ये कि वो जो बोले वो सही है, सामने वाला जो है वो हमेशा गलत ही रहेगा फिर भले वो अंकित ही क्यों ना। और यहां पर शिव का अगेन आपको एक हंबल वाला साइड देखने को मिल गया, उसने कोई ग्रजेस नहीं रखे, वो वहां पर जग्गा के पास जाता है मग्गा के पास जाता है समझाने की कोशिश करता है कि भैया पूरी कॉन्वर्सेशन तो सुन लो ऐसे दिल में खटास मत रखो ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये सारी चीजें देखकर भी अगर आपको शिव ठाकरे अच्छा नहीं लग रहा तो भाई साहब क्या बोल सकते हैं। वो अर्चना के पास भी गया जब उसकी आंख में पानी घुस गया था कीचड़ घुस गया था, अरे हां ये अर्चना तो भाई इसको तो फीवर आ जाता है ना ठंडे पानी के छींटे पड़ते हैं तो यहां पर तो छपाछप कीचड़ और नीचा गया उसके ऊपर लेकिन अर्चना को कोई फीवर नहीं आया। लेकिन यहाँ पर अर्चना मस्ती मजाक कर रही थी और टीना कितना गलत जा सकती है भाई साहब। इस टीना दत्ता के बारे में जो पहली चुगली दिखाई गई थी कि यार उसकी सिचुएशन समझो उसका शो 7-8 साल से बंद पड़ा है ये बातें साजिद खान ने कही थी, लेकिन यहाँ पर टीना दत्ता को तो शिव ही गलत लग रहा है। पहली फुर्सत में वो शिव का नाम ले लेती है और कई बार बजर जो था वो गलत बजा था, कई बार वो निम्बो को बुला रही थी, कई बार अर्चना को, कई बार उसने सौंदर्य को बुलाया। तो यहाँ पर टीना दत्ता दिखा रही थी कि वो कितनी गलत है। एंड मिस ब्रांड को कुछ और नहीं मिला तो क्या बोल रही थी, ये शिव मेरी टी शर्ट को टारगेट करना चाहता है, ओ माय गॉड हाउ चीप ही इज, वैसे मैं टी शर्ट हो या कुछ भी हो मैं बेस्ट रखती हूँ, बैकअप तैयार रखती हूँ। तो क्या शालिन के लिए भी बैकअप तैयार करके रखें? यहाँ तो इस एपिसोड में बड़ी बात करी थी शालिन मेरा दोस्त है और सलमान खान के सामने आज रात को क्या बोलेगी, हमारा कोई दोस्ती वगैरह कुछ नहीं है सर, मैं तो गेम खेल रही हूँ। तो ये टीना दत्ता तो डे बाय डे खुद को एक्सपोज कर ही रही है। बॉटम लाइन ये है कि यहाँ पर टीना दत्ता साबित कर रही थी कि वो कितनी ज्यादा गलत है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला वो तेवर दिखा रही थी जब उन्हीं का छोड़ा हुआ तीर उन्हीं के ऊपर बैकफायर कर गया। ये कुत्ते वाली बात तो आपने ही बताई थी ना घर वालों को। और सबसे बड़ी चीज ये टीना दत्ता किस मुंह से ह्यूमैनिटी की बात करती है, इंसानियत की बात करती है। याद कीजिए वो एपिसोड जिस एपिसोड में टीना दत्ता को पता चला था उनके कुत्ते के बारे में, जिसके बारे में सलमान खान यहां पर टीना को समझाते भी हैं कि ये बात बाहर लाया कौन, ये बात तो बाहर आप लाए। आपको अच्छे से याद होगा जब कुत्ते की मृत्यु का समाचार मिला था मिस ब्रांड को, वो बाहर आकर सबसे पहले शालिन से इस बारे में बात करती हैं और उसी दौरान एक कैप्टनसी वाली टास्क हो रही थी जहां पर अब्दू कैप्टन बना था। तो वहां पर कप्तान बनने के लिए टीना दत्ता अपने कुत्ते की मृत्यु को भी सिंपथी कार्ड के रूप में इस्तेमाल करती है। तब ह्यूमैनिटी कहां चली गई थी, तब नहीं सोचा कि गेम के लिए कुत्ते की मौत को आप इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब टीना दत्ता खुद वो करे तो सही है लेकिन सामने वाला बोल भी नहीं सकता। यहां पर वही बात आ जाती है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है। टीना दत्ता खुद गंदगी करे वो सही है लेकिन सामने वाला बोल भी नहीं सकता। जग्गा खुद
खुद इतना चिल्लाए, उंगली दिखा दिखा करके हाउ डे यू करे वो चलता है, लेकिन अंकित ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। गजब लेवल का दोगलापन है। फिर ऐसे लोगों को लोग स्ट्रांग वुमन बोल देते हैं। खैर, ये कीचड़ वाली जो टास्क थी, इस कीचड़ वाली टास्क ने टीना दत्ता का, जग्गा का असली चेहरा दुनिया के सामने ला करके रख दिया और दुनिया को ये भी दिखा दिया कि शायद सौंदर्य इतनी बुरी नहीं है जितना कि लोग समझ रहे हैं, क्योंकि बार बार टीना और ये जग्गा सौंदर्य को ही बुला रहे थे जबकि वो चुगलियां सौंदर्य ने नहीं की थी। इसी बीच हम देखते हैं कि ये जो गोल्डन बॉयज हैं इनको सलमान खान बोल देते हैं कि भैया स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं। कितने जबरदस्त तरीके से सलमान खान मेकर्स के स्क्रिप्टेड एंगल को डिफेंड कर रहा था। अगर शो में कुछ स्क्रिप्ट नहीं होती है तो एंड वीकेंड के पहले ही ये बवाल वगैरह क्यों होते हैं, क्यों इन बवाल के ऊपर जो है बड़े बड़े प्रोमो कट जाते हैं। अगर शो में स्क्रिप्ट नहीं होती है तो ये जो सो कॉल्ड जनता के लोग आए हैं, जिसमें कुछ एक यूट्यूबर्स भी हैं, इनमें वो यूट्यूबर्स भी हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि डीएसके भाई हमारे चैनल पर आ जाओ, लेकिन मैं नहीं जाता हूं। और मैं बिग बॉस 12 में, बिग बॉस में गया था, उसके बाद से तो मेकर्स को मैं इतना जबरदस्त एक्सपोज करता हूं कि वो मुझे बुलाने के बारे में सोचते भी नहीं है। मुझे कुछ कमेंट आए कि भाई डीएसके देखो वो लोग गए हैं, वो फैंस नहीं है, वो सब यूट्यूबर्स हैं और देश की जनता नहीं है, देश के कोने कोने से नहीं आए हैं, यहीं से उठा लिए गए हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे ना सलमान खान, आपको मैं समझाता हूं कि कैसे स्क्रिप्ट प्लान होती है। ये जो जितने भी लोग आए हैं कोई एकदम से तो प्रकट नहीं हो गए, इनको मंडे या फिर ट्यूसडे को कॉल गया होगा, इन्हें बताया गया होगा कि चूंकि आप लोग क्या मेकर्स के पेरोल पर पलने वाले ठुल्ले हो तो आपको आना पड़ेगा, किस कंटेस्टेंट के लिए आप साइड लेना चाहते हो, किस कंटेस्टेंट के अगेंस्ट आप जाना चाहते हो, ऐसा ऐसा बोलना और हम आपको 2-3 मिनट का स्क्रीन टाइम दिलवा देंगे। तो ऐसे करके इन लोगों को बुला लिया गया है। मुझे कमेंट आते हैं कि भाई डीएसके आपको नहीं बुलाते, प्लीज आप ऐसा एक्सपेक्ट भी मत करो भाई साहब। आप देखते होंगे आजकल यूट्यूब पर हर कोई चैनल वाला जो है ना वो अगले एपिसोड के प्रोमो डाल देता है, लाइव फीड के क्लिप डाल देता है, उनको सारी परमिशन अलाउड है। मेरे वीडियो में अगर एक छोटी सी 5 सेकंड या 10 सेकंड की एक क्लिप भी आ जाएगी ना एपिसोड की, तो मेरा वो वीडियो उड़वा देते हैं, चैनल को सस्पेंड कराने के पीछे पड़े रहते हैं। तो ऐसे में ये सोचना कि वो लोग मुझे बुलाएंगे, प्लीज ऐसा सोचना भी बड़ी वाली बेवकूफी होगी। जब तक राजनायक का एरा था तब तक इन लोगों ने मेरे को एक छोटी सी इंपॉर्टेंस दे दी वहां बिग बॉस में, उसके बाद से तो भाई साहब वो मेरे पीछे, मैं उनके पीछे, टू मच फन। तो यहां पर ये जो ऑडियंस के लोग के नाम पर जो कुछ यूट्यूबर्स आए हैं वो कैसे टीना या इनके बारे में सवाल जवाब करेंगे वो हम देखेंगे कल के एपिसोड में। लेकिन जिस तरह से सलमान खान यहां पर कुछ बातें कर रहे थे उससे एक चीज तो क्लियर है कि टीना को बैश नहीं कर सकते। टीना को बड़े नपे तुले शब्दों में समझा दिया गया कि कुत्ते वाली कांड की जो बातें हैं वो आप खुद लेकर के आई थी, लेकिन यहां पर सलमान खान बोल सकते थे ना कि आप कुत्ते की मौत को खुद टास्क जीतने के लिए इस्तेमाल करो, वो सही है। आपने शालिन ने कहा था ना आपसे कि कुत्ते की मौत को सिंपति के रूप में यूज कर लो, तब आपने नहीं बोला इंसानियत। और जग्गा को भी यहां पर समझाना था, लेकिन हां सलमान खान ने अंकित को समझा दिया कि जब सामने वाला तुम्हारी बात सुन नहीं रहा है तो भाई साहब क्यों उसके पीछे जा रहे हो, जब सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता, आपको अप्रिशिएट नहीं करना चाहता है, अपनी मर्जी चलाना चाहता है, तो भाई उस इंसान से दूर हो जा। और ये आपने देखा भी है कि 2-3 दिन तक जब ये अंकित दूर था इससे जग्गा से, अंकित की एक अलग ही पर्सनैलिटी, अलग ही वाइब्स हमको देखने को मिली, उसके वन लाइनर्स काफी अच्छे। लेकिन ये जो वन लाइनर्स होते हैं ना साहब, ये इक्का दुक्का मोमेंट आपके फेवर में करा सकते हैं। शो जीतने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी के बहुत सारे साइड दिखाने पड़ते हैं, गेम के प्रति पैशन दिखाना पड़ता है, आपका इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस दिखाना पड़ता है, जो कि अंकित का अब तक हमको देखने को नहीं मिला था, अब धीरे धीरे मिल रहा है। तो कैसे इसने जग्गा ने अंकित को यूज किया है, ओवर शेडो कर दिया ताकि अंकित जो है वो खुलकर आ ही ना पाए। और अंकित साजिद खान से बात करता भी है कि जब भी मैं बात करने जाता हूं वो गेम की बात करती है, गेम की बात करती है। एंड खुद को डिफेंड करने के लिए जग्गा किस मुंह से बातें कर रही थी कि बाहर की बातें कर नहीं सकते, बाहर की बातें अलाउड नहीं है, गेम की बात करूंगी ना, भाई गेम में तो निमृत भी है, शिव भी है या अब्दू भी है, ये लोग तो बाहर की बातें नहीं करते हैं। सीधा सीधा मुद्दा यह है कि ये जो जग्गा है ना, ये चाहती ही नहीं थी कि अंकित गेम में ग्रो कर पाए, अंकित अपना एक अलग साइड दिखा पाए, इसलिए ये हर वक्त उसके साथ चिपकी रही, सो दैट अंकित जो है वो बोल भी नहीं पाए। अंकित खाना भी तो मेरी परमिशन से खाओगे, अंकित तुमने ये कैसे बोल दिया, तिलमिला गई थी ये जग्गा जैसे ही इसकी पोल पट्टी खुल गई नेशनल टीवी पर सबके सामने। जिस हिसाब से ये जग्गा बौखलाई है, इससे सौंदर्य का जो स्टेटमेंट था ना कि यार ये जिस तरीके से जा रही है, अंकित की मम्मी गला दबा लेगी, लिटरली अंकित की फैमिली बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं शर्मसार महसूस कर रही होगी, जिस तरह से उनके लड़के को ये बार बार उंगली दिखाती है, चिल्लाती है, अंकित का तो मजाक बना करके रख दिया है। अंकित कुछ भी बोले तो ये इतना हायतबा मचाती है, खुद चिल्लाती है, चीखती है, चिल्लाती है, इतना ज्यादा मतलब तानाशाही तेवर दिखाती है। अंकित कुछ भी बोले तो इसके गुर्दे छिल जाते हैं, मतलब ये कुछ भी कर सकती है, अंकित कुछ ना करे। ऐसी चीजें देखकर तो भाई कोई भी फैमिली वाला होगा, कोई भी मां होगी ना, वो एक्चुअली में गला ही दबा लेगी। तो समय के साथ सौंदर्य का जो ऑब्जर्वेशन था ना इसके जग्गा के बारे में,
उस ऑब्जर्वेशन को जग्गा ने ही 110% सही साबित कर दिया है। और अर्चना ने भी बोला था कि कलंक लगेगा जिस फैमिली में जाएगी, तो नेशनल टीवी पर जग्गा तो साबित करेगी कि उसे क्या अपब्रिंगिंग मिली है, उसकी फैमिली जो बाहर विक्टिम कार्ड खेल रही है, अंदर जग्गा अपनी फैमिली और खुद दोनों को ही भर भर के एक्सपोज करेगी कि ये कहीं से कॉर्नर नहीं है, ये एक्चुअली में बुली करती है लोगों को। ये जग्गा और इसकी फैमिली वाले जो दूसरों को बोलते कि वो बुली हैं, एक्चुअली में जग्गा इज द नंबर वन बुली ऑफ बिग बॉस 16। एंड ये जग्गा और टीना जो कि दूसरों के लिए अक्सर गड्ढे खोदते रहते हैं, दूसरों को क्लासलेस बोलते हैं, दूसरों को तमीज का ज्ञान देते रहते हैं, खुद ये कितने तमीज़दार हैं, खुद ये कितने सेंसिबल हैं, ये आपने देख लिया जब इन्हीं का फेंका हुआ तीर इन्हीं के ऊपर आ गया और जग्गा को किसी और ने नहीं, जग्गा के मग्गा ने ही एक्सपोज कर दिया, और टीना दत्ता को किसी और ने नहीं, टीना के अपने कुत्ते ने ही एक्सपोज कर दिया। टीना का कुत्ता भी बाहर से कहीं, अब तो खैर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऊपर से कहीं देख रहा होगा और कहीं ना कहीं टीना की हिपोक्रेसी को टीना का कुत्ता ही एक्सपोज कर रहा है। टीना के डबल स्टैंडर्ड एंड हिपोक्रेसी को सलमान खान ने बड़े नपे तुले शब्दों में भी हाईलाइट कर दिया कि आपको शिव ने कैप्टन नहीं बनाया तो आपके इतने गुर्दे छिल गए कि आप बर्थडे तक नहीं मनाना चाहती थी, लेकिन अगला दिन जब टास्क हुआ वो कैप्टनसी वाला, आप तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही थी। तो यहां पर टीना जो है ना वो जग्गा वाले नक्शे कदम पर चल रही है, जैसे कि वो जग्गा टास्क हार गई थी ना शिव से, उसके बाद से उसने अपने ब्लंडर नहीं देखे, लेकिन वो शिव के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। और यहां पर ये जो क्या नाम है इसका, मिस ब्रांड, लेकिन ये तो मिस ब्रांड है भाई साहब, अभी भी उनको अकल नहीं आ रही है, इतना सब देखने के बावजूद लोग इनह्यूमन है, सेंसिटिव नहीं है, मुद्दा बनाते हैं, आप खुद कितनी दूध की धुली हो, आप तो लोगों की फैमिली तक पहुंच जाती हो मिस ब्रांड, लेकिन सलमान खान ये चीजें हाईलाइट नहीं करना चाहते बिकॉज टीना दत्ता जो है मिस ब्रांड है, कलर्स का बड़ा फेस है, बुरी तरीके से इसको एक्सपोज नहीं करेंगे। शायद इसीलिए मेकर्स ने टीना दत्ता को ऑडियंस के हवाले कर दिया है और बाद में मेकर्स बोलेंगे देखो डियर टीना, हमने तो तुमको कुछ नहीं बोला, ये तो ऑडियंस के लोग आए थे भाई, पब्लिक के लोग थे, हम क्या कर सकते हैं अगर पब्लिक आपको एक्सपोज करके चली गई हो तो पब्लिक के सो कॉल्ड पब्लिक के ये जो लोग हैं जो टीना दत्ता और इसको शालिन को ग्रिल करेंगे आज रात के एपिसोड में, अर्चना को ग्रिल करेंगे सलमान खान और कुछ किकआउट करने वाले टास्क होगी जहां एमसी स्टैन शालिन का नाम ले रहा है। एमसी स्टैन काफी अच्छा लगा यहां पर कीचड़ वाली टास्क में, जब वो भर भर करके वो कीचड़ फेंक रहा था, वैसे एमसी स्टैन भी जबरदस्त अंदाज में था जिस तरह से वो अर्चना ने चुगली करी थी एमसी की, यार इसने ऐसा क्या करा कि वायरल हो रहा, अर्चना ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि भैया पीठ पीछे चुगलियां करते हैं, मैं तो शेर नहीं हूं मुंह पे बोलती हूं, जबकि अर्चना की भी काफी सारी चुगलियां दिखाई गई जो कि उसने सौंदर्य के बारे में बोली या फिर एमसी स्टैन के बारे में बोली या फिर टीना के बारे में बोली। तो अर्चना मतलब क्या है कि मतलब थोता चना है, बड़ी बड़ी बातें करती है, वड़ा पाव खा जाती है। वैसे यहाँ एमसी स्टैन ने काफ़ी रंग जमा दिया, उसने अपनी वो टैटू भी दिखाया शर्ट उतार करके। शिव ठाकरे तो भाई साहब अलग ही लेवल पर था, एकदम स्पोर्टिंगली वो टास्क ले रहा था, अर्चना को भी बहुत ज्ञान दे रहा था कि अर्चना तू पकड़ी जाती क्योंकि तेरे चेहरे पर दिख जाता है कि तूने मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका वाला तेवर। शिव ने यहाँ पर मस्ती मजाक भी खूब करा, वो जग्गा और मग्गा को कंसोल करने भी जाता है। ये सारी चीज़ें शिव ठाकरे के जो हेटर्स हैं उनको दिखाई नहीं देंगी, उनको दिखाई क्या देगा जग्गा कितनी महान है जबकि वो कितनी कर्कश है। अब्दू के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि यार ये जग्गा एक्चुअली में क्या है और कितनी कर्कश है, किस हिसाब से वो अंकित को ब्लेम कर रही थी, गेम तू खेलता होगा, मैं गेम नहीं खेलती। अरे मैडम तुम और टीना एक जैसी हो, जग्गा और टीना दोनों महाकनिंग लोमड़ियां हैं, ये दोनों कैमरा देखती हैं कि कहां कैमरा एंगल है, उसके हिसाब से ये लोग फुटेज की भूखी प्यासी ये चुड़ैलें कूदना शुरू कर देती हैं। और ये टीना तो यार किस मुंह से लोगों को क्लास तमीज और ह्यूमैनिटी का ज्ञान देती जबकि इसको ह्यूमैनिटी क्लास और तमीज छूकर भी नहीं गुजरी है, भयंकर रूप से ये दोनों गीदड़ियां एक्सपोज हुई हैं आज तो। और हाँ एक मोमेंट आपने देखा होगा कि कैसे निम्मो और ये जग्गा साथ साथ आकर के बैठ गए थे, जैसे ही जग्गा और मग्गा का आर्गुमेंट होता है शिव जाकर के बैठ जाता है मग्गा के पास और ये जग्गा आकर बैठ जाती है निम्मो के पास और दोनों हाथों में हाथ डाल करके बैठे थे। तो आप समझ जाइए कि कैसे एक स्क्रिप्ट थोपी गई थी डे वन से कि जग्गा वर्सेस निम्मो चलेगा। और मैंने एक फोटो तो आपके सामने शेयर कराई था ना वो बिग पिक्चर का कि कैसे वहां पर ये निमरत छोटी सरदारनी और ये उडारियां वाली साथ में आए थे एंड वहां पर इनकी बॉन्डिंग कहिए या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ये जिस तरह से कर रहे थे वो काबिले तारीफ था। लेकिन बिग बॉस में चूंकि डे वन से इनको राइवल के रूप में दिखाना था एक स्क्रिप्ट के तहत, इसलिए डे वन से खामखा में ये निम्मो और ये जग्गा लड़ते रहते थे, बाहर की बातें ड्रैग करा करते थे, तुम कितनी नेगेटिव हो, ये है वो है ये है वो है। लेकिन यहां पर आपने देखा कि कैसे एक साथ बैठ गए वो भी हाथों में हाथ डालकर। यही नहीं वो ट्रेन वाली टास्क में भी ये जग्गा और ये निम्मो एक गठबंधन बनाना चाहते थे। तो एक चीज तो बार बार हाईलाइट हो रही है कि जग्गा जो है वो एक रोल प्ले कर रही थी डे वन से निम्मो के अगेंस्ट रहने का और एक महान महिला का किरदार, उसके इस महान महिला वाले किरदार की पोल पट्टी खुद उसी के मग्गा ने खोल करके रख दी है। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, जिस तरह से बिग बॉस ने यहां पर चुगलियां दिखाई और टीना कितनी गलत जा रही थी उसके इक्के दुक्के तुक्के ही निशाने पर लगे, वहीं शालीन भनोट और सौंदर्य का वो जो ऐसे ऐसे करके काफी अच्छा लग रहा था। अब यहां पर साजिद के ऊपर कोई कीचड़ नहीं फेंका गया, यहां पर अब्दू के ऊपर कोई कीचड़ नहीं फेंका गया,
तो क्या भाई साहब ये बिग बॉस के स्पेशल गेस्ट हैं, इसलिए ये लोग जो है ये बच गए। सबसे ज्यादा कीचड़ फेंका गया था सौंदर्या के ऊपर, अर्चना के ऊपर, शिव के ऊपर आई थी इक्का दुक्का बार कीचड़ फेंका गया था, लेकिन सबसे ज्यादा सौंदर्या और अर्चना के ऊपर ही। और हाँ, निम्मो डार्लिंग, मेरी फेवरेट निम्मो भाई, उसका मुंह भी कीचड़मय कर दिया गया था। इन तमाम चीजों के बारे में क्या है आपके ओपिनियंस कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। और हाँ, लाइक करो, बार बार के लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आज रात के एपिसोड के तुरंत बाद। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।